खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमो। तूफान टीवी के सभी दर्शकों को रवि अग्रवाल का नमस्कार। दीपों के पर्व दीपावली की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए तूफान टीवी न्यूज। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पूरे देश में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दमोह में भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ का शुभारंभ किया। इससे पहले स्थानीय तहसील ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने स्कूली छात्र छात्राओं सहित मौजूदा लोगों को एकता और अखंडता की शपथ भी दिलाई। आयोजन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना था कि जिस तरह सरदार पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया, उसी तरह हम लोग भी एकता के सूत्र में बांधने का काम करें। आयोजन में जिला कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य, जिला पुलिस अधीक्षक डीआर तेनिवार के साथ बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, स्कूली छात्र छात्राओं सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। आजाद भारत में देश की एकता के लिए भारत रत्न और लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को देश जिस प्रकार से स्मरण करता है, और मैं कहूँगा कि ये पिछले वर्ष और गौरव गरिमा के पूर्ण तरीके से मनाने का जो क्रम है, ये देश के लिए बेहद ज़रूरी है। भारत जैसा देश जो साम्राज्यवाद का विरोध करता है, विस्तारवाद का विरोध करता है, उस देश को अपनी एकता और अखंडता के प्रति आम नागरिक में जो जागरूकता होनी चाहिए, आने वाली पीढ़ी में जो सजगता होनी चाहिए, हमारे महापुरुषों ने हमको एकात्म भारत दिया है, और इसलिए उसकी एकता का सूत्र सदैव मजबूत हो। लोगों के मतांतर हो सकते हैं, लेकिन एकता पर कोई भी मतांतर नहीं होता। ये प्रबल भावना आने वाली पीढ़ी में हो, इसलिए देश इस एकता की दौड़ में शामिल होता है। और मुझे लगता है हर व्यक्ति को इसमें भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एकता के प्रति हमारे भीतर सदैव कुछ ध्वनि गूंजते रहनी चाहिए, ये ज्योति सदैव जलती रहनी चाहिए। ये कार्यक्रम उसका एक बेहतर निमित्त है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देशवासियों को, जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि लौह पुरुष सरदार पटेल जैसा भाव भारत के हर नागरिक का हो।